नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय श्री काली। दोस्तों मैं हूं आपका होस्ट फ्रेंड कुमार सत्यम, स्वागत करता हूं आपका फिर से मेरे हिंदी यूट्यूब चैनल रूद मेडिटेशन में। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। दोस्तों 26 सितंबर से 4 अक्टूबर तक नवरात्रि का पावन पर्व चल रहा है और दोस्तों इस समय बहुत ही इस बार की जो नवरात्र है इस समय ग्रहों का कुछ खास योग बन रहा है, जिसके कारण आप जो भी उपाय या कुछ भी आप टोने वगैरह टोटके वगैरह करते हैं तो इसका बहुत ही जबरदस्त आपको रिजल्ट मिलने वाला है, क्योंकि इस समय का जो ग्रहों का योग है बहुत ही खास बना है, बहुत ही दुर्लभ संयोग बन रहा है। दोस्तों नवरात्रि में कहा जाता है कन्याओं का विशेष महत्व है। आप माता रानी की पूजा करें या ना करें, लेकिन कन्याओं की यदि पूजन कर लेते हैं तो माता रानी बहुत प्रसन्न हो जाती हैं। और ऐसे खास मैं उपाय आपके सामने लेकर के आया हूं। आपको कन्या को सिर्फ एक चीज आपको देनी है, थोड़ा सा पूजन करके फिर देखेंगे आपको कितना अच्छा रिजल्ट मिलता है इसका। माता रानी आपकी हर मनोकामना पूर्ण कर देंगी। तो दोस्तों इसको करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, आप चाहें तो इसको किसी भी दिन कर सकते हैं नवरात्रि में, लेकिन दोस्तों आप एक काम जरूर करें कि जब तक नवरात्रि चल रही है तब तक कन्याओं की जो भी कन्या आपको मिल जाए, बस दोस्तों याद रहे कन्याओं की उम्र पर ध्यान दें, क्योंकि 2 साल से 12 साल तक की जो कन्याएं होती हैं इन्हीं को माता रानी का स्वरूप माना गया है। तो आप 2 साल से लेकर के और 12 साल तक की कन्याओं को आप पूजन करें, अगर हो सके तो डेली इनको थोड़ा सा पूजन करके कुछ दक्षिणा वगैरह दे दें, कुछ मीठा भोग लगा दें और इनके चरण छू करके इनका हाथ अपने सिर में जरूर रखवाएं, क्योंकि दोस्तों नवरात्रि में जो होता है माता रानी किसी भी कन्या के रूप में किस रूप में आपके सामने आ जाए आप नहीं समझ पाएंगे, किस रूप में आपको दर्शन दे दें। तो कोई भी कन्या आपको दिखती है तो उनका पूर्ण रूप से आदर करें और हो सके तो उनको कुछ दक्षिणा दें, कुछ खाने के लिए सामग्री दें और मीठा भोग जरूर लगाएं। तो दोस्तों आपको इस प्रयोग को करना क्या है, आपको पानी वाला नारियल लेना है जो कन्याओं को आपको भेंट में देना है। अब पानी वाला नारियल क्यों दोस्तों, तो इसके पीछे भी मैं आपको रीजन बता देता हूं कि आपने शारदा माता, जो मैहर में शारदा माता है उनका नाम सुना होगा आल्हा के बारे में, तो आल्हा ने जब माता रानी को प्रसन्न करने के लिए अपना शीस भेंट कर दिया था, अपना सिर काट करके माता रानी को अर्पित कर दिया था चरणों में, तो माता रानी शारदा माता ने साक्षात प्रकट होकर के उनको दर्शन दिए। तो आल्हा ने विनती की थी कि माता रानी मेरे समान इतनी बड़ी कठिन परीक्षा कोई भी नहीं दे पाएगा, जिससे कि आप उनके मनोरथ सिद्ध करो, तो ऐसे कोई उपाय मुझे बताइए जिसके द्वारा आप अति शीघ्र प्रसन्न हो जाए। तो शारदा माता ने उस समय उनको वरदान दिया था कि कलयुग में जो भी व्यक्ति पानी वाला नारियल होता है इसे अगर मुझे बलि स्वरूप देता है या मेरे को भेंट चढ़ाता है तो मैं उसको बलि स्वरूप ग्रहण करूंगी और उसकी हर मनोकामना को पूर्ण करूंगी। तो कलयुग में दोस्तों अगर माता रानी को प्रसन्न करना है, हम इतने बलवान नहीं है कि हम बलि दे सके कुछ कर सके, तो माता रानी को प्रसन्न करने के लिए आप भेंट करें पानी का नारियल। पानी का नारियल आपको एक कन्या को भेंट करना है, उसके पीछे भी एक दोस्तों एक उपाय करना है, उसके पीछे थोड़ा सा पूजा पाठ करनी है तो वो मैं आपको बता देता हूं। आप इसको अगर करते हैं पंचमी के दिन, महापंचमी के दिन कर लें, अगर इस दिन नहीं कर पा रहे हैं तो महासप्तमी से लेकर महानवमी तक इन तीनों के दिन के बीच में अगर आप करते हैं तो बहुत अच्छा होगा, या फिर महापंचमी के दिन करें, या फिर आप जब भी चाहे आपको समय मिलता है तब भी आप कर सकते हैं। तो आपको एक पानी वाला नारियल लेना है और उसकी जटाएं छील लेना है, आपको नारियल पूरा नहीं छीलना है, उसकी जो ऊपर चोटी रहती है उस चोटी आपको छोड़ देना है, चोटी आपको नहीं काटना है, पूरा जटा छील करके और जहां से उसकी जो दो आंख रहती है वहां से आपको जो जटा रहेगी जटा लगे रहने देना है। अब इसको आपको लेकर के अपने घर में यदि अपने घट स्थापना की है, जोत जलाई है, माता रानी को स्थापना दी है, तो वहां पे करें इस प्रयोग को, और वहां पे नहीं है अगर घर में आप नहीं कर पा रहे हैं तो मंदिर में भी कर सकते हैं। तो आपको इसको नारियल को क्या करना है, सबसे पहले कुमकुम जो होती है कुमकुम का सबसे पहले माता रानी को तिलक करें। अगर दीपक आपकी अखंड जोत जली है तो आपको दीपक जलाने की जरूरत नहीं है, और अगर आपके घर में अखंड जोत नहीं है तो आपको एक दिया की जरूरत पड़ेगी, तो एक दिया भी जरूर जला लें। उसके बाद में सबसे पहले कुमकुम से माता रानी को तिलक करें। तिलक करने के बाद में आपको नारियल पे जो आपने पानी वाला जो नारियल लिया था इसमें आपको स्वास्तिक बना देना है। स्वास्तिक आपको बनाने के बाद में अब इस नारियल को माता रानी को दोनों हाथ में लेकर के माता रानी से आपको विनती करनी है कि आपकी जो भी मनोकामना वगैरह है, कोई परेशानी चल रही है कि माता रानी मेरी ये मनोकामना है, ये परेशानी है, आप इसको दूर करिए। दोस्तों नवरात्रि चल रही है और नवरात्रि में ये बहुत ही विशेष प्रयोग है, अगर नवरात्रि में इस प्रयोग को आप करेंगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा और इस समय ग्रहों का योग भी बहुत अच्छा बन रहा है और बहुत ही मतलब कि जो नवरात्रि है अच्छे योग से बन रही है, तो आप करेंगे तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है। तो ये नारियल आप माता रानी के चरणों में अर्पित कर देंगे।
अर्पित करने के बाद में दोस्तों अगर आप कुछ दक्षिणा रख सकते हैं 11 रुपए 21 रुपए, तो वो दक्षिणा भी आप वहां पर रख देंगे माता रानी को, एक लाल पुष्प चढ़ा देंगे। पुष्प चढ़ाने के बाद में अब इस नारियल को यदि आप मंदिर में अगर कर रहे हैं तो इन सब चीजों को आप उठा लेंगे, और यदि घर से कर रहे हैं तो आपने जो अखंड ज्योत जलाई है पहले वहां पर रख करके एक बार अखंड ज्योत के सामने भी विनती कर लेंगे, और विनती करने के बाद में आपको इसको उठा करके लेके जाना है किसी कन्या के पास में। कोई कन्या दोस्तों, लेकिन आपको यहां पे ये विशेष ध्यान देना है कि कन्या 2 साल से लेकर 12 साल तक के बीच में रहे, यानी कि 12 साल की उम्र की अगर 12 साल से बड़ी कन्या है तो उसको दान ना दें, उसको ये भेंट ना करें, क्योंकि 2 साल से लेकर के और जो 12 साल तक की कन्या है ये 9 देवी के स्वरूप माने गए हैं। तो आपको इन 2 साल से लेकर के और जो 12 साल तक की कन्या होगी किसी भी एक देवी का रूप मान के, या फिर माँ दुर्गा का रूप मान के, या माँ काली का रूप मान के, ये साक्षात माता रानी है। आपको दोस्तों यही मन में विचार रखना है और यही श्रद्धा रखनी है, यही भावना रखनी है, और जब ये नारियल से आप विनती करेंगे तो माता रानी के सामने मंदिर में या अपने घर में, तो यही आपको वहां पर भी बोलना है कि माता रानी मैं किसी कन्या को आपका सच्चा स्वरूप मान करके और अपनी सारी परेशानियों को खत्म करने के लिए ये नारियल इस कन्या को भेंट कर रहा हूं, आप इसे स्वीकार कर लेना पूरी श्रद्धा के साथ में। और फिर किसी कन्या को ले जाकर के, उम्र जिसकी 12 साल तक हो, 2 साल से लेकर के, और उस कन्या को ले जाकर के आप इसको भेंट कर दें। अगर आप दक्षिणा ज्यादा रख सकते हैं 21 से 51 101 या जो भी आप किया था सकती है तो दक्षिणा भी रख लें, और एक मीठा भोग, चाहे तो आप मिठाई रख सकते हैं या फिर आप लड्डू रख सकते हैं या घर में खीर बना सकते हैं, जो भी आपकी श्रद्धा है, और ये खीर और यह प्रसाद और एक भेंट करके उनके चरण छू लें। और चरण छूने के बाद में सबसे विशेष बात दोस्तों कि आपको उस कन्या का हाथ, सीधा हाथ अपने सिर पर रखवाना है। आप जब चरणों दोनों हाथ से उनके चरण छूएंगे तो उनका सीधा हाथ अपने सिर पर रखवा लें, और ये आप भावना रखें मन में कि साक्षात माता रानी मेरे सिर में हाथ रख रही है और मेरी सारी मनोकामना पूर्ण कर रही है। ये इंटेंशन रखते हुए और ये भावना रखते हुए आप देखेंगे कितना अच्छा सटीक रिजल्ट मिलेगा आपको, सारी परेशानियां आपकी दूर हो जाएगी, आपकी जो भी परेशानियां है A to Z सारी परेशानियां माता रानी को बोल दीजिए। इस बार की नवरात्रि भी बहुत विशेष है दोस्तों, जरूर कर लेना इस प्रयोग को। जब तक नवरात्रि चल रही है मैं आप लोगों के लिए और बहुत विशेष खास प्रयोग लाता रहूंगा, जो भी आपको अच्छा लगता है, जो भी प्रयोग आप कर सकते हैं, जो करने में आपको आसानी लगती है, जिस प्रयोग में आपको विश्वास है, श्रद्धा है, उस प्रयोग को जरूर कर ले इस नवरात्रि में। और हो सके तो पूरी नवरात्रि में एक एक कन्या को जरूर कुछ भोग लगाएं, कुछ भी दक्षिणा दें, और यदि भूल चूक से आपके द्वारे में कोई कन्या आ जाती है तो उसे खाली हाथ ना लौटाएं, और कोशिश करें कि डेली हर रोज एक कन्या का हाथ अपने सिर में रखवाएं और उनका चरणों को छुएं। 9 दुर्गों का आशीर्वाद मिल जाएगा दोस्तों आपको, 9 देवियों का आशीर्वाद मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, अगर जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा जय श्री काली जरूर लिखिए, इससे माता रानी की और दैवी कृपा आपको प्राप्त होगी। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा जय श्री काली, आप और आपका परिवार हमेशा स्वस्थ रहे, सुखी रहे, संपन्न रहे।